परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात कही है कि 2024 साल अच्छा नहीं है। चीन और यूएसए गुस्से में आ जाएंगे, बहुत उनके लाल हो जाएंगे चेहरे। इसका मतलब ये था कि वो लड़ पड़ेंगे आपस में। यूरोप में आप देखेंगे कहीं पर अलग अलग तरीके के, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि घुसपैठ, हमले, कहीं पर बम विस्फोट, कोई देश देश नहीं लड़ रहे हैं, कोई छुप छुप कर आपस में। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो 100% सत्य होती है। दोस्तों हर साल की तरह प्रोफेट जी ने आज भी भविष्यवाणी किया इस साल के लिए 2024 के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2023 को इन्होंने भविष्यवाणी किया था। और पहले दिन, साल के पहले दिन जापान में भूकंप ने तबाही मचाने लगा, और जिस दिन जापान में भूकंप ने तबाही मचाया था उसी दिन प्रोफेट जी ने बोला था दो एरोप्लेन टकरा जाएंगी, और वो भी सत्य हो गई। तो दोस्तों 2024 में जो घटना होने वाला है वो सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके ऊपर क्या क्या विपत्तियाँ आने वाली है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और प्रोफेट जी ने बताया 100 और 200 का नोट बंद होगा, और कैसे होगा, कब होगा, और पूरा ऑनलाइन का जमाना आ जाएगा, लोगों के खाते में से पैसे भी कटने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। 25 मार्च 2024 उसके बाद आपको पता लगेगा कि करेंसियों की डेट चेंज कर दी जाएंगी। 100 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट रह जाएगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धनवानों का धन रखा हुआ नाश हो जाएगा। आतंकवादी हमले कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, और लोग सड़कों पर आएंगे, और लोग कहेंगे इस पुराने वाले को हटा दो, नए वाले को रख लो। लोगों की पैसा जो है वो बैंकों में सेव करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद जब आर्थिक तंगी की मार पड़ेगी तो लोगों का पैसा उसमें से भी काट लिया जाएगा, लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे। और प्रोफेट जी ने बताया ब्रिटेन में एक नया किंग होगा जो कि वो चेंज हो जाएगा, और उसका नाम हैरी होगा। बाहर आ रहे हैं, ब्रिटेन में एक नया किंग होगा, चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसका नाम हैरी हो।